नमस्कार, आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाले वृत्त चिन्ह के बारे में। तो जो वृत्त का चिन्ह, मतलब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक सर्कल का चिन्ह होता है। ठीक है, एक देखिए, अब ये सर्कल मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया है ना। अब इस सर्कल को आपको एकदम नहीं सोचना है कि एकदम बराबर सर्कल बने। ठीक है, ये ज्योतिष की भाषा में इसको वृत्त चिन्ह कह दिया जाता है। अब जैसे ऐसा भी बना, ठीक है, या फिर थोड़ा अंडाकार बना, ऐसा भी बना, तो सब वृत्त की श्रेणी है, वृत्त के प्रकार हैं, फल एक ही होगा। वो ज्योतिष की भाषा में उसको वृत्त का नाम दिया गया, क्योंकि वृत्त के जैसा वो दिखता है, इसीलिए उसको वृत्त का नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो अब आपको इसको वृत्त समझ के चलना है। एकदम पूर्ण रूप से गोल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, होगा तो भी चलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से गोल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत 19-20, थोड़ा पचका ऐसा हो सकता है, ओवल हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया चिन्ह से संबंधित जानकारी, की देखना क्या है आपको। ठीक है, और जो पहली बार देख रहे हैं, जो ज्योतिष समझते नहीं हैं, है ना, हस्तरेखा समझते नहीं हैं, उनके लिए मैं बता दूं, ये जो एरिया है आपका, ये जहाँ से मैं इसको घेराबंदी कर रहा हूँ, ये एरिया आपका शुक्र का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी राइट टिक किया है, ये आपका शुक्र का एरिया है, शुक्र का पर्वत है। आपको यहीं पर इस चिन्ह को देखना है अपने हाथ में। ठीक है, अब इसके क्या फल होंगे, अगर ये चिन्ह है तो इससे हमको क्या परेशानी आएगी या क्या लाभ होगा। तो देखिए, ये वृत्त का चिन्ह जो है ना, कहीं पर भी हथेली में बनता, बहुत जगह बनता है, हर पर्वत पे बन सकता है। इसके हर जगह पॉजिटिव रूप नहीं देखे गए हैं, कहीं पे ये बहुत नेगेटिव है तो कहीं पे बहुत अच्छा है। जैसे सूर्य पे हम देखते हैं तो सूर्य पे इसका फल बहुत उत्तम कहा गया है, वैसे बुध पे भी अच्छा फल कहा गया है इसका, लेकिन बाकी पर्वतों पे उतना अच्छा फल इसका नहीं कहा गया है, है ना। तो वैसे ही मिश्रित फल को देने वाला ये चिन्ह है, कोई पर्वत पे बहुत शुभ है तो कोई पे अशुभ है। तो शुक्र पे अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो शुक्र पे वृत्त का चिन्ह को अच्छा नहीं माना गया है, ये चिन्ह नेगेटिव साइन बनता है, इससे आपको बहुत सारी तकलीफें आती हैं, आपके स्वभाव में भी, आपके व्यक्तित्व में भी बहुत गिरावट ये देखने को मिलेगा। अब क्या क्या होता है, इसका फल क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो इसके मेन कंटेंट्स पे आऊँ, इसके बारे में जानकारी शुरू करूँ, इससे पहले आप लोग से जैसे हमेशा मैं एक निवेदन रहता है, एक रिक्वेस्ट रहती है, तो प्लीज़ जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने ला सकूँ। और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लगे कि ये ज्ञान दूसरों तक जानी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुँचे ये ज्ञान, अगर लगता है आपको सही है तो ठीक है, और लगता है कि नहीं, चीज़ें मैच नहीं हो रही, प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर क्या, फिर आप सब्सक्राइब क्या अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि व्यर्थ का ज्ञान लेना सही नहीं होता है, ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, वही ज्ञान काम आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपको कंटेंट्स पे। अगर वृत्त का चिन्ह शुक्र पर है, ठीक है, तो ये मान के चल लीजिए, हाँ, जैसे मैंने अभी जो चित्र बनाया है, इस चित्र को आप गौर से देखेंगे तो ये वृत्त कंप्लीट नहीं है, कहीं से भी एक थोड़ा सा छूटा हुआ है, वहाँ से कोई आदमी अंदर घुस सकता है, समझ रहे हैं ना, अगर एक घेरा है ये, तो उस घेरे से आदमी घुस सकता है, ये गेप है ना, तो ये फिर वृत्त नहीं है आपका। ठीक है ना, वृत्त अगर होगा तो कंप्लीट होगा, कहीं से भी जाने का, अंदर घुसने का जगह नहीं, अब ये बोल सकते हो इसको कंप्लीट है। ठीक है ना, तो ये वृत्त का चिन्ह है आपका, इसको ध्यान रखना है, इसको बताने से पहले ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, आपको देखना है कि वृत्त जो भी बना है, चाहे ओवल है, अंडाकार है या संपूर्ण गोल है, इसको आप क्या ध्यान देना है, पहला चीज़ पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ ध्यान देना है, ये जो वृत्त बना है ये कितनी प्रभावी रूप से बनी है, कहने का मतलब ये वृत्त का चिन्ह जनरली बहुत माइनर, बहुत बारीक रेखा से मिल के बनता है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है इसको। ठीक है, बहुत हल्की सी रेखा से मिल के ये बनेगा, या हल्की सी रेखा से ये बनता है, और अगर ये कहीं स्पष्ट रूप से बने, एकदम दूर से ही आराम से दिख जा रहा है आपको, यानी कि कहने का मतलब स्पष्ट रेखा से बन रहा है, मोटी रेखा से बन रहा है, पतली बारीक रेखा से ना बन के मोटी रेखा से बन रहा है, तो इसका फल अलग होगा, इसका फल मैं अंतिम में बताऊंगा, तब ये अच्छा है, तब ये अच्छा कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जनरली जो बनता है बारीक रेखा से बनता है, बारीक रेखा से बना हुआ चिन्ह
वृत्त का अगर बना है तो वो नेगेटिव होगा। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम जो जनरली बनता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके व्यक्तित्व पे क्या असर डालता है उसको समझना है, ठीक है। ये आपका अगर चिन्ह बना है तो ये आपका अपोजिट जेंडर पे अट्रैक्शन को बढ़ाता है, आपके अंदर की कामातुरता को बढ़ाता है, ठीक है। उसके कारण से ऐसे लोगों के अनेक मल्टीपल अफेयर्स आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। बहुत अगर लड़का है तो बहुत लड़कियां इनके लाइफ में आएंगी, लड़की है तो बहुत लड़के इनके लाइफ में आएंगे, मल्टीपल रिलेशन इनका बनता है, ठीक है। ऐसे लोग कहने का मतलब कामी होते हैं स्वभाव से, ठीक है। और अगर हम बात कर दें धन के लिए, भौतिकता के लिए अगर हम बात करें, शुक्र है क्योंकि इसको तो बात करना पड़ेगा, तो उस पर भी ऐसे लोग थोड़े अय्याश देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रदर्शन, इनका मुख्य ध्येय क्या होता है, वो उस प्रदर्शन के पीछे अपोजिट जेंडर के प्रति ये अच्छा दिखना चाहते हैं, दूसरों को नज़र में अट्रैक्ट करना चाहते हैं दूसरों को अपनी साइड में, ठीक है। अपनी वासना के अधीन रहते हैं हमेशा, तो उसके कारण से अपनी जो एक हैसियत होगी, जो औकात होगी, उससे ज़्यादा प्रदर्शन करना, एक झूठी शान को दिखाना लोगों के सामने में, ये इनके अंदर में आता है, ठीक है। यानी कि थोड़े से दिखावा पसंद लोग ऐसे लोग होते हैं। दूसरा चीज़, अगर ये किसी शादीशुदा के हाथ में है तो इनका दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये दाम्पत्य के लिए बहुत ख़राब है, ऐसे लोगों का दाम्पत्य में, अब मैं ऑलरेडी ये चीज़ मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, मल्टीपल अफेयर्स वगैरह है ना, तो आप उस एंगल से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। तो अपने पार्टनर के साथ में इनका मन नहीं लगना, ऐसे लोग नवीनता खोजते रहते हैं हमेशा, हमेशा इनका एक ही तलाश रहता है, नवीनता। इनका प्रेम एक जगह टिकता नहीं, एक जगह इनका फोकस नहीं होता, हर बार ये बदलाव पसंद करना इनके अंदर में आता है। तो ऐसे लोग थोड़े से दाम्पत्य की अगर बात कर लूँ तो दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं होता, पार्टनर इनसे हमेशा उदास या फिर परेशान रहता है इनकी हरकतों के कारण से, ऐसा समझ सकते हो। अब ये देखो, ये स्त्री या हो तो पुरुष के लिए या पुरुष हो तो स्त्री के लिए, अपनी वासना को तृप्त करने के लिए ये केवल अपोजिट जेंडर की तलाश करते हैं। ये भी नहीं देख पाते इस अपनी इस कामातुरता में कि वो जो व्यक्ति है वो उसकी वो मर्यादा, जो रिश्तों की मर्यादा होती है ना, उस रिश्तों की मर्यादा की भी ये परवाह नहीं करते, इतने ज़्यादा ये केंद्रित हो जाते हैं अपनी वासना पर। तो ये व्यभिचारिता को भी बताता है, ठीक है। ये व्यभिचारिता का भी लक्षण है, ये अच्छा लक्षण नहीं कहा जाएगा। दूसरा चीज़, अब ये इतने ज़्यादा जो आतुर होते हैं अपनी काम इच्छा को, वासना को लेकर, तो उसके कारण से इनको शुक्र का रोग मिलता है। चूँकि ये रोग का निशानी है, वृत्त कहीं पर भी हो रोग का परिचायक है। बाकी फल वो जैसा देना है देगा, भले कोई पर्वत पर अच्छा फल देता होगा, धन दौलत देता है, मैं सबको अभी साइड में बात करता हूँ, केवल रोग की अगर बात करूँ तो जिस पर्वत पर भी रहेगा उस पर्वत से संबंधित रोग ये जरूर देता है, ठीक है। एक चित तय है इसका कि रोग ये देगा देगा और देगा, चाहे कहीं पर भी रहे। आप जैसे बुद्ध पर देखते हो ना, ऐसे लोगों को जल से संबंधित रोग, ठीक है, या फिर विष, खास करके विष, अब या तो फूड पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, या फिर आपको ऐसे लोगों को आपको देखना कोई जहर से संबंधित कोई भी इनके जीवन में खतरा हो जाए। और तीसरा चीज़, ऐसे लोगों को गले से या गले से संबंधित रोग ऐसे लोगों को, या त्वचा से संबंधित रोग ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा। सूर्य पर अगर वही चिन्ह हो, सूर्य पर होगा तो आपको आँख नेत्र रोग मिलता है, ठीक है। वैसे शनि पर हो तो नर्व से संबंधित रोग देखने को मिलेगा। गुरु पर है तो पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित रोग ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी गले से संबंधित रोग देखा जाता है, डायबिटीज़ वगैरह देखा जाता है, शुगर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर होगा तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट की तरफ में, हाई बीपी, ये सारी चीज़ों को बताता है, उच्च रक्तचाप वाली बीमारी यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। वैसे चंद्रमा पर हो तो जलोदर वगैरह रोग है, जल से संबंधित रोग है, कफ है, ठीक है, कफ से संबंधित आपकी बीमारी हो गई, या फिर मूत्र रोग, ये मूत्र रोग की तरफ में भी इशारा यहाँ पे मिल जाता है। वैसे ये जहाँ पर भी होगी ना, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ये रोग को भी लेके आती है अपने साथ, भले हो सकता है उसके साथ धन के संबंधित तो पॉजिटिव हो, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे क्या केंद्र है आपका, शुक्र। शुक्र आपका यौन रोग है ना, यानी कि यौन संबंधी घटनाएं यहाँ पे हम जाके देखते हैं,
तो हमको यौन रोग से संबंधित घटना यहाँ पे मिलती है। तो देखिए यहाँ पे अब बारीकी से समझना है आपको, अगर इस व्यक्ति का शुक्र का पर्वत अच्छा उन्नत है, ठीक है, अच्छा पर्वत है, उस पर ये बनाए तो ये जो चीज़ें मैंने बताया वो तो रहेगा ही रहेगा, जो भी इसके अभी तक मैं बताया इसके व्यक्तित्व के बारे में जो बताया वो तो रहेगा। अब रोग की बात कर लूँ तो ऐसे लोगों को इनकी आतुरता, इनकी अधीरता ये बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, और एक समय आता है कि अपनी उस आदत को नहीं छोड़ने के कारण से फिर इनको एक यौन संबंधी कोई ना कोई रोग मिल जाता है, ठीक है। अति ज़्यादा आतुरता, अति ज़्यादा वासना भी, वासना के कारण से यौन रोग की प्राप्ति होना, समझ गए, ऐसी घटना को ये अंजाम देता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं अब ये पर्वत किसी का दबा हुआ है, शुक्र का पर्वत आपका दबा हुआ है, इसमें ध्यान क्या देना है आपको, शुक्र का पर्वत दबा हुआ हो और मंगल का पर्वत भी दबा हुआ हो तब और भी ज़्यादा स्थिति खराब, लेकिन अगर केवल शुक्र का पर्वत दबा हुआ है और जीवन रेखा की जो गोलाई है, ये जो एरिया मिल रहा है जीवन रेखा को, अब मान लो ऐसी जीवन रेखा है यानी छोटा एरिया मिल रहा है, अब ये एरिया छोटा हो गया है ना, तो अगर छोटा एरिया मिल रहा है और पर्वत दबा हुआ है और उस पर वृत्त है, ये नपुंसकता की निशानी है। अब ऐसा व्यक्ति या तो जन्मजात नपुंसक होगा या फिर कुछ कालांतर में अपनी गलत आदतों के कारण से या कुछ भी ऐसी हरकतों के कारण से नपुंसकता को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि काम इच्छा तो बहुत है, काम इच्छा बहुत है और लेकिन उसके में एबिलिटी नहीं है वो क्रिया करने की, ठीक है, तो ये ऐसी तरीके की बीमारी भी देता है जो आपको सेक्सुअल डिजीज़ है ना, ऐसी बीमारी को भी देता है, जैसे कि एक बीमारी है शीघ्र पतन की बीमारी, तो ये जो वृत्त का चिन्ह है ये उस बीमारी को भी बताता है, ठीक है ना। तो इच्छा तो होती है लेकिन वो सामर्थ्य नहीं होता, ऐसी स्थिति को जनरेट कर देती है ये। तो अगर पर्वतों के हिसाब से समझना है, पर्वत दबा हुआ है तब तो बहुत बेकार है, नपुंसकता की तरफ में ये लेके जा सकता है, ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से आपको समझना है। अब आते हैं, ये तो हो गया रोग से संबंधित, जो पर्वत के रोग से संबंधित है, अब कुछ और बातें बताता हूँ इसी वृत्त पे। देखिए ये वृत्त जो है ना शुक्र पर भी मंगल के जैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है, क्यों, कारण इसका। अब मैं अगर बोलूँ कि अंग भंग हो जाना तो अब ये तो नपुंसकता से बात नहीं आएगी। अभी मान लेते हैं इसका अंग भंग हो गया। अब अंग भंग कैसे हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई चोट चपेट हुआ होगा, कोई ऑपरेशन हुआ होगा, कोई सर्जरी हुआ होगा, क्योंकि जीवन रेखा को भी शुक्र की रेखा कहा जाता है, शुक्र की रेखा जीवन रेखा को भी कहा जाता है, और ये भी एरिया मंगल को घिरते हुए चलती है, तो इसीलिए कुछ हद तक चोट चपेट एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ से भी बना देता है ये वृत्त, ठीक है। तो दुर्घटना के कारण से अंग भंग हो जाना, कोई भी प्रकार का अंग भंग आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हाथ पैर हो कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति को भी ये बता देता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो, सॉरी कोई सर्जरी वगैरह हो गंभीर रूप से, ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट कर देता है, ठीक है। जैसे स्त्रियों की बात कर लें अगर, तो गर्भाशय निकल जाना क्या होता है ना, गर्भाशय का ऑपरेशन किए, शरीर से वो पार्ट हमेशा के लिए निकाल के डॉक्टर अलग कर दिया, ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट कर देता है, अगर स्त्रियों की बात कर लूँ तो मैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा दृष्टिकोण हो गया देखने का। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर मान लो, अब मान लेते हैं कि आपका ये जो वृत्त बना है ये बढ़िया से एक गाढ़ी रेखा से बना है, जो स्पष्ट रूप से आपको दूर से ही दिख रहा है कि वृत्त एकदम क्लियर है, बारीक रेखा से नहीं बना है, स्पष्ट रेखा से बना है, तब क्या फल होगा, तब इसका फल एकदम विपरीत हो जाएगा। अब ये शुभ फल देगा आपको, कौन से प्रकार का शुभ फल देगा, इससे क्या होगा, ऐसे लोग हीलर होते हैं। हीलर मतलब क्या कि हील करने वाला है ना, कोई जैसे एक चिकित्सक समझ सकते हो। अब ये चिकित्सा, मैंने चिकित्सा बोल दिया तो आपको केवल दवाई दारू पे नहीं जाना है, अगर आप किसी व्यक्ति को, कोई बहुत उदास व्यक्ति है, बहुत दुनिया से निराश व्यक्ति है, उसके अंदर आप फिर से ऊर्जा शक्ति, जीवन शक्ति फूंक देते हो अपनी वाणी से, तो आप समझिए कि आप चिकित्सक हैं, ठीक है ना। तो मनोचिकित्सक हो गए आप, कहने का मतलब है ना, तो कोई भी प्रकार की चिकित्सा जिससे कि अगले व्यक्ति को लाभ हो, स्वास्थ्य लाभ हो, उसके मनोविज्ञान में लाभ हो, तो ऐसी जो स्थिति है ये आपको चिकित्सा के रूप में देखी जा रही है ज्योतिष में या हस्तरेखा में, ठीक है ना। तो ऐसे अगर स्पष्ट रूप से, अगर कोई बंदा ये डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा,
बहुत फेम मिलेगा उसको, ऐसा डॉक्टर मतलब लोग इसको इसके नाम से इसके पास जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसका फीस क्या है। बहुत अच्छा। वैसे ही ये कोई हीलिंग का काम कर सकता है ना, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई वास्तु वाला हो सकता है, ये इवन हस्तरेखा हो सकता है, कोई कुंडली वाला हो सकता है, कोई भी प्रकार की ज्योतिष की साइंस जहाँ से व्यक्ति अब हीलिंग लेता है, हीलर होता है, वो सारी चीज़ों की एबिलिटी इनके पास में होती है। क्योंकि शुक्र जो है ना तंत्र मंत्र को भी बताता है ना, तांत्रिक है ये शुक्र। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे तांत्रिक भी होते हैं। और तंत्र किस टाइप का करेंगे, क्या इस तंत्र का बुरा इस्तेमाल करेंगे, नहीं। ये अगर काला जादू भी जानते होंगे तो उस काला जादू को दूसरों की भलाई के लिए यूज करते हैं। एक्चुअल में हम तंत्र जो शब्द सुनते हैं ना, ये तंत्र दूसरों के उपचार के लिए भगवान शिव ने जनरेट किया था। तंत्र के सृजन करता है भगवान शिव, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था अच्छे कार्य के लिए। लेकिन वो विद्या का इस्तेमाल कई लोग मलिन रूप से भी करते हैं, तो वो गलत चीज़ है। जैसे आप देखते हैं, हम कहानी सुनते हैं ना, कोई गांव या गांव देहात में आप अक्सर सुनने को मिलता है कि फलाना जो है डायन विद्या जानती है, मेरे बच्चे को नज़र लगा दी, ये है वो है। फिर वो किसके पास जाते हैं, किसी ओझा के पास, पंडित तांत्रिक के पास जाते हैं, है ना। तो वो भी तो वही चीज़ करता है, लेकिन वो उसके में अंतर क्या होता है, वो उस मलिन विद्या को उस व्यक्ति में जो है उसको वो दूर करने की कोशिश करता है, तो वो उसके लिए हीलर का काम करता है ना। बस ऐसे ही समझना है। ये अगर है तो स्पष्ट रूप से वो कोई अच्छे डॉक्टर का संकेत है, कोई बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, कोई मनोचिकित्सक हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। कोई भी प्रकार से आप इंसान के अंदर में जीवन शक्ति में, उसकी ऊर्जा में आप कुछ विस्फोट कर रहे हो, उसको फिर से जागृत कर रहे हो, ऐसा अगर कुछ काम करते हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा चिन्ह ये कहलाएगा, उसमें आपको बहुत सक्सेस देगा ये। ऐसे लोग नामी होंगे। अगर ये हस्तरेखा वाला कोई व्यक्ति है तो बहुत अच्छा हस्तरेखा जानता होगा, इसके पास में जो ये जो प्रिडिक्शन देगा वो बहुत सही प्रिडिक्शन देगा, एकदम सटीक बैठेगा, लोग इनके तरफ में अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, मैंने कहा ना शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, केवल विपरीत लिंग को अट्रैक्ट करिए ज़रूरी नहीं है। अभी आपको फेमस होना है, फेम पाना है ना, तो भी शुक्र जिसका अच्छा होगा वही फेम पाता है। जैसे मान लो कोई यूट्यूबर है, जैसे अब मैं एक यूट्यूब में काम करता हूँ, मुझे अगर किसी को सफल होना है यूट्यूब में, तो मेरे अंदर में जो फेम है, जो जनरेट करूँगा मैं, जिससे कि लोग मेरे पास आएंगे, वो जो फेम है ना वो शुक्र के बिना नहीं हो सकता है। तो सीक्रेट, जिसका शुक्र अच्छा होगा उसी को ही एक अट्रैक्शन जनरेट होता है लोगों के प्रति, ठीक है, या लोगों का आपके प्रति, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो शुक्र का उत्तम होना जरूरी है, और यहाँ पे ऐसे शुभ चिन्ह होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। इसको इस तरीके से आपको समझना है। तो ये था शुक्र पे आपको वृत्त चिन्ह की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। केवल देखिए वृत्त चिन्ह को अक्सर आप देखते होंगे ना, इसको हर जगह निगेटिव 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 कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर वो स्पष्ट रेखा से बना है तो पॉजिटिव जरूर आपको देगा, फिर आपको कोई प्रकार की यौन रोग, ये दुनिया भर की कहानी कुछ नहीं, सब अच्छा रहेगा। बल्कि वो आपके लिए बहुत अच्छा साइन हो गया, अब यहाँ पे फीस साइन के बराबर का काम कर रहे हैं ना वो। ऐसे समझना है, केवल आपको एक चीज़ को पकड़ लिए और सुन लिए फिर उसी में बह जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये था वृत्त चिन्ह का संपूर्ण डिटेल्स। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज्ञान दूसरों तक भी जाए। और प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।